तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में जो कि होने जा रहा है द अल्टीमेट अंधभक्त के ऊपर। तो अंधभक्त किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। करेक्ट, जी हाँ, जो पागल लोग हैं, जो जॉम्बीज हैं, तो अच्छा आप समझ गए ना क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली ये कौन है अंधभक्त ये हमें नहीं पता, क्यों है ये अंधभक्त ये भी हमें नहीं पता, और कहाँ से आए हैं ये अंधभक्त, द अल्टीमेट अंधभक्त ये भी हमें नहीं पता, और क्यों हैं ये, कहाँ रहते हैं ये, क्यों अंधभक्ति करते हैं इतना, तो ये भी हमें नहीं पता। तो आइए चलिए हम आपको मिलवाते हैं हमारे अनइनवाइटेड गेस्ट जो कि हैं, आप सबको पता चल ही गया होगा, द अल्टीमेट अंधभक्त। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास गाइस जो हैं द अल्टीमेट अंधभक्त। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है काफ़ी। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले कि ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं होने वाला है, और ना ही मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या उनके खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन जो सच है अपुन वो बोलेगा। तो सबसे पहले ये आइए हमारे पास मिस्टर अंधभक्त का, ये हमारे पास सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक्चुअली कुछ आप लोग को अगर पता हो नहीं हो तो कुछ दिन पहले ये चाइना रिमूव चाइना ऐप्स आया था, तो हमारे मोदी जी के सपोर्ट में कि आत्म निर्भर भारत बनेगा हमारा। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनता है, तो हम जितना चाइना का ऐप्स है उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। ओके, तो एक्चुअली दिस द पर्सन द अल्टीमेट अंधभक्त, क्या किया इसने कि एक्चुअली इसने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया, रिमूव चाइना ऐप, और ये जो है अपना स्टेटस में भी शेयर कर दिया। सो एक्चुअली आई रोट तो मैंने उसे रिप्लाई किया कि अब तो यार ठीक है, वाओ, यू शुड रिमूव योर फोन ऑल्सो बिकॉज इट्स चाइनीज। या तो ये फैक्ट है दोस्तों कि जितना मोस्टली सारे फ़ोन जो है वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो आपको यार ऐप्स हटा रहे हो तो फ़ोन भी हटा दो, क्या दिक्कत है। असली भक्त या सिर्फ अंधभक्त। ऑल राइट, नेक्स्ट व्हाट वी हैव। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये गाइज एक ये आकाश बनर्जी है तो इसने ये वीडियो बनाया था कि कैरी मिनाटी का जो ये था टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, तो YouTube नहीं भक्त, तो ये वीडियो मैंने एक्चुअली इसे शेयर किया और कहा कि ये कुछ वीडियो मजदूरों के लिए भी फॉरवर्ड कर दो। तो अब ये बोलता है कि देखो मजदूर तो अनपढ़ हैं पर पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अपना पेट भर रहे हैं, तो ये सीरियसली तेरा कांग्रेस पार्टी है इसके लिए जिम्मेदार। वाओ, सीरियसली डूड, सीरियसली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। यार वो मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। फ्रॉम व्हाट लॉजिक डू यू से दैट। तो गाइज ऑन द नेक्स्ट कि हमारे पास ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी है वो काफ़ी हो रही है हर जगह पे, लाइक पुलिस वाले हमारे ऊपर बेवजह डंडे चलाए जा रहे हैं और किसी के ये सुन नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या स्टोरी में ये वीडियो डाला जहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी डंडे चार्ज कर सकते हैं, कर रहे थे। तो एक्चुअली आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, तो किस तरह से हमारे पुलिस वाले जो हैं औरतों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने एक पूरा वीडियो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। तो एक्चुअली मैंने ये डाला स्टेटस में, तो ये बोलते हैं महाराज भाई इतना एडिटिंग और निगेटिविटी क्यों। अब यार बोलोगे तुम कि पुलिस वालों को 500 रुपये दे दिए कि लो डंडे से मारो हमें, मारो मारो मारो। यार डंडा कहाँ गया, मेरे पास था डंडा मेरे पास, बट डोंट वरी, आप समझ गए मैं क्या बताना के लिए चाह रहा हूँ।
तो ये भी फेक, लाइक मैं भी वीडियो एडिटिंग VFX वगैरह इतना करता हूँ यार, अपनी इंडस्ट्री में मैंने आज तक ऐसी फेक वीडियो, फेक एडिटिंग, मुझे नहीं पता कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप CGI या कोई वीडियो सॉफ्टवेयर में जाके पुलिस वालों से डंडे चलवा दोगे, लोगों से झूठ बोलवा लोगे। बट द थिंग इज दैट गाइज, कि अगर आप सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि दैट देर इज अ फॉल्ट, दैट अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, लाइक कोई आपको, कोई नहीं समझा सकता दुनिया में, कोई नहीं। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हियर वी हैव लाइक, तो एक्चुअली द थिंग क्या हुआ गाइस कि हमारे इतने लेबर्स फंसे हुए हैं, तो दे आस्क्ड लेबरर्स टू पे फॉर ट्रेन टिकट। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रेन वालों ने कि आप जो है टिकट का पैसा दीजिए, और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं हमारे गरीब लेबरर्स से, जो गरीब लोग हैं, जो जिन्हें जो फंस गए हैं, जो घर जाना चाहते हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं। तो हुआ क्या ये, तो इसके लिए उनसे पैसा मांगा गया। तो इसीलिए मैंने ये डाला कि हाउ शेमफुल इज इट दैट आवर गवर्नमेंट आस्क लेबरर्स टू पे फॉर ट्रेन टिकट्स। देन ही सेज, जानकारी नहीं है तो आसमान में पत्थर फेंको, किसी को तो लग ही जाएगा ऑब्वियसली, और वो इंसान आप ही हैं जिसे पत्थर लग गया। सही बात है, आपको तो सच दिखेगा नहीं कि हमारे वो बेचारे, आपने तो घंटा डोनेशन किया नहीं होगा कहीं, और करने से भी क्या फायदा, बट PM केयर्स डजंट केयर। तो चलिए आगे ऑन द नेक्स्ट व्हाट वी हैव। तो एक्चुअली दिस इज फन वन। तो ही सेज लाइक, द ओल्डेस्ट नीम ट्री ऑफ माई विलेज फॉलन इन स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म। तो इस बेचारे, द अल्टीमेट अंधभक्त का जो एक नीम का पेड़ था गांव में, वो गिर गया। लाइक सो वो उदास। तो देयर आर मैनी चाइल्डहुड, तो मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। तो यार मैंने कहा दैट्स ग्रेट, सो ऑब्वियसली दैट्स ग्रेट कि तुम्हारी बचपन की यादें चली गई, यू डिजर्व दैट। अगेन ऑन द नेक्स्ट वी हैव लाइक दिस अंधभक्त इज रियल अल्टीमेट अंधभक्त। लाइक मैंने इनसे काफ़ी बार पूछा है कि यार मोदी जी ने वादा किया था 100 करोड़ जॉब्स, वो कहाँ गए? तो ये महाराज उन सब चीज़ों पे कभी बात नहीं करते हैं कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और हजारों करोड़ों लाखों जॉब्स, अभी तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि ये देखिए, ये हमसे पूछते हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है, हाउ डू यू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब चैनल? तो भाई साहब आ गए आप अपनी जगह पे। द हैशटैग बेरोजगार, द अल्टीमेट अंधभक्त। तो हाउ डू यू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब चैनल, हाउ मच टेल एन? तो मैंने कुछ नहीं रिप्लाई दिया यार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बॉट लगा रखा है एज हियर यू कैन सी। तो जब भी दिस पर्सन मैसेज मी, जब ये हमें मैसेज भेजता है, तो हमारा बॉट बोलता है, क्या बोलता है, हेलो अनभक्त, क्या आपको काम धंधा नहीं मिलता है? आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जय श्री राम, जय श्री राम, मत करिए कौए जैसा काम, राम को बदराम। तो एक्चुअली तो मैंने GN भेजा, तो मेरे बॉट में ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, कुछ कुछ मैंने डाल रखा है। तो आई लाइक द नाइट विदाउट डार्क वेड नेवर सी द स्टार्स। तो ये महान इंसान जो है, बिकॉज दिल्ली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ओह वाओ, दिल्ली ही जो है बस पॉल्यूशन है, दिल्ली में हमें तारे नहीं दिखते हैं और पूरी इंडिया में हमें तारे दिखते हैं। इलॉजिक लेवल 1000। ऑल राइट, मूव ऑन। तो ये एक्चुअली यहाँ पे डोंट फॉरवर्ड फेक वीडियोज़। ओके, तो मैं आपको ये वीडियो क्लिप यहाँ आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो
ये क्लिप है गाइस, जहाँ पे ये मजदूर, ये बिहार समस्तीपुर स्टेशन का ये क्लिप है, आप जहाँ ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा और ये क्लिप का लिंक भी, लाइक ये ट्विटर पे शायद डाला गया था, तो कि कैसे लोग फूड के लिए, खाने के लिए, कि हमारे पास खाना नहीं है, आज ये दिन आ गया है कि खाने के लिए नहीं है, तो इसमें यार क्या फेक वीडियो, क्या एडिटिंग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमें भूखमरी दिख रही है कि कैसे हमारे पास अभी खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, पैसे या खाना ही नहीं है हमारे पास, और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऑल राइट, तो बस अब इसमें भी आपको अगर कुछ फेक लगे, जो लगे, अब आई कैन नॉट से एनी थिंग इन दैट, अब आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल, इस पर्सन का लेवल क्या है। हाँ, तो दैट्स ऑल गाइस, तो आई होप कि अगर आपके पास भी कोई अंधभक्त है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे बिना लॉजिक, बिना कुछ, थोड़ा सा भी वो दिमाग नहीं लगा सकते यार, वो ओके होल्ड ऑन, तो वो थाली बजा रहे हैं, कोरोना भाग जाओ, गो कोरोना, गो कोरोना, मैंने वीडियो किया ही था। तो आप लोग तो वीडियो को शेयर कीजिए, हर बंद अल्टीमेट अंधभक्त, भक्त जो भी है, तो भक्त का डिफिनेशन आप लोग को समझ आ ही गया होगा। तो हमारे पास बहुत अजब गजब अंधभक्त हैं, अंध भक्त। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप कोई भी पार्टी से हो, तो गवर्नमेंट डजंट केयर, बस हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि US में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ, तो हर लोग, हर एक्टर, हर एक सेलिब्रिटी जो है आवाज़ उठाया है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्योंकि अगर कुछ हमारे साथ गलत होगा, हमारे साथ इक्वालिटी नहीं होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया जाएगा, तो हमें एक साथ लड़ना होगा। तो आज बेचारे गरीब मजदूर, भले अभी लॉकडाउन खुल गया हो, वो घर जा चुके हैं, तो मेरे जस्ट नीचे पे काफ़ी, लाइक मुझे काफ़ी दुख हुआ, नीचे कुछ लोग रहने आए थे, वो बिहार से ही थे, तो लाइक दे वर लिविंग एंड वो पैदल ही निकल गए, तो काफ़ी मेरे शहर को भी लाइक हज़ार हज़ार किलोमीटर काफ़ी मजदूर चले हैं। तो हमें लाइक केयर करना चाहिए गाइस, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ किया है, दे आर एवरीथिंग फॉर आर कंट्री, लाइक अगर वो नहीं रहे तो कौन बनाएगा ये बिल्डिंग, कौन करेगा हमारा काम, कौन हमारे लिए खेती करेगा, कौन हमारे लिए टमाटर उगाएगा, भिंडी उगाएगा, कौन आपके लिए चीज़ें बनाएगा, कौन आपके लिए फैक्ट्री में काम करेगा, जो मैगी आप खाते हैं रोज़, या जो चाट बनाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, तो वट एवर द थिंग इज, इस वीडियो में बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं, आप लॉजिकल बनिए, थोड़ा जो ये दिमाग है ना, इसका भेजा चलाओ यार, और कुछ करो। सो प्लीज़ डोंट बी लाइक दिस अंधभक्त, मैं एक पर्टिकुलर अंधभक्त, मैंने बस ये एक एग्जाम्पल के लिए लिया, तो मेरे पास काफ़ी अंधभक्त हैं पैपों करके, जो कोरोना भगा देंगे, और लाइक पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस अंधभक्ति में, लाइक दो जो गवर्नमेंट की फेलियर्स हैं उसे देखना ही नहीं है, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट पुअर्स, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। ओके, सो दैट्स इट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट, आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, सही बोला, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप स्टे सेफ। तो हाँ, याद रखिए, 6 फीट की दूरी बनाना है, मास्क लगाना है, और हाथ को ज़रूर धोना है। बाय बाय, सी यू, टाटा।